हॉबी छह मेरा न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, दीदी का चले तो मेरा हेलीकॉप्टर ना उतारने दें। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मऊ में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महामिलावटी एक मजबूर सरकार चाहते हैं, जिससे ये ब्लैकमेल कर सके। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एसी कमरे में बैठकर समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की डील हो गई, लेकिन जमीन से कटे हुए ये नेता अपने कार्यकर्ता को ही भूल गए। नतीजा ये है कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं को उनकी आस्था के दायरे में ही 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिले, लेकिन ये महामिलावटी दल ऐसा भी होने नहीं दे रहे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ से ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बलात्कार के आरोप में भगोड़ा है। समाजवादी पार्टी का तो इतिहास यूपी के लोग जानते हैं, लेकिन बहन जी क्या आप ऐसे उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी? हार देखकर तमाम महामिलावटी पूरी तरह से पस्त हैं। पीएम मोदी चंदौली की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी तरह हार देखकर समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी सहित ये तमाम महामिलावटी आज पूरी तरह से पस्त हैं। बेंगलुरु में एक दूसरे का हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाई थी। जैसे ही प्रधानमंत्री पद की बात आई तो सब अपना अपना दाव लेकर अपनी अपनी ढपली बजाने लगे। कोई 8 सीट, कोई 10 सीट, कोई 20-22 और कोई 35 सीट वाला प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, घुसपैठियों की पहचान का विरोध, नागरिकता कानून का विरोध, 3 तलाक के कानून का विरोध, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जो देने का विरोध, कदम कदम पर मोदी का विरोध करना सिर्फ यही नहीं इनका मॉडल है। पीएम मोदी बोले कि कुछ लोग झूठ और अफवाह फैलाकर हमारे किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। मैं आज यहाँ से पूरे देश के किसानों को बता देना चाहता हूँ कि जो पैसे आपके खाते में भेजे जा रहे हैं वो आपके अपने हैं, आपकी सहायता के लिए हैं। उन पैसों को आपसे कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारी नीति एकदम साफ है, हम जवानों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते हैं। मिर्जापुर में बोले पीएम मोदी, वोट कटवा बन गई ईमानदारों की पार्टी। मिर्जापुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जनता ये मानती है कि कौन आतंकी को घर में घुसकर मार सकता है, कौन है जो नक्सलवाद की सफाई कर सकता है। बांटने और तोड़ने की राजनीति करवाने वाले ईमानदारों की पार्टी, जिसने 4 पीढ़ी तक सरकार चलाई, आज वो खुद बोलने लगे हैं कि उनकी पार्टी अब वोट कटवा बन गई। पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं की रिमोट कंट्रोल से चलने वाला खिलौना समझ लिया है। एक लीडर होता है जो समाज की खुशी के लिए समर्पित होता है, दूसरा होता है डीलर जो सत्ता की कुर्सी के लिए डील करते हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के डीलर उत्तर प्रदेश के समझदार जनता को गलत समझने की भूल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बुआ, बबुआ और कांग्रेस के नामदार उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ जातियों में बांटते हैं। ये महामिलावटी ही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने महापुरुषों के नाम पर स्मारक बनाने का ढोंग किया और उनसे भी घोटाला कर गए। जब इनकी महामिलावटी सरकार थी तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के उद्योगों को गुंडा राज की भेंट चढ़ा दी। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।